Hey दोस्तों, वेलकम बैक टू द लंदन वीलॉग डे 5। और ये आप देख रहे हैं, मैं क्रूज पे हूँ और ये क्रूज है थेम्स में। और मैं आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि इट वाज माय वीकेंड, तो वीकेंड थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया। फिर मैं इवनिंग टाइम में मैं ये थेम्स पे आ गया था। और यहाँ पे मैंने थेम्स पे क्रूज मिलते हैं, थेम्स मतलब लंदन की गंगा, जो हम कह सकते हैं इंडिया में जैसे गंगा है। तो यहाँ पे इस समय -2 में टेम्परेचर हो रहा था, तो इसलिए क्रूज में बहुत ही कम क्राउड था। बट ऑफकोर्स मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था लंदन में, वो भी क्रूज में। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। और आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने ये सब चीज़ें भी आगे की वीडियो में कवर किया है, तो मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, तो देखते रहे इस वीडियो को। और वो देखिए पीछे, एक्चुअली में दैट्स द बिगेस्ट क्रूज, बट एक्चुअली मैं दैट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा था। तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल सिटी क्रूज है जो मैंने अफोर्डेड, तो मैंने इसको पूरा क्रूज का एक्सप्लोर किया है चारों तरफ से। और ये देखिए थेम्स के साथ में जो बिल्डिंग्स लगी हुई हैं, वो कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी हैं। और उसमें एक वन ऑफ मेरी, मतलब एज इन जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, वो भी एक बिल्डिंग है। तो यहाँ पे अभी मैंने आगे आपको इसमें टावर ऑफ ब्रिज, बकिंगम पैलेस और यू नो ब्रिटिश म्यूजियम और इन सब चीज़ों का भी दिखाया है। ये देखिए मैं थोड़ा वर्टिकली व्यू दिखा रहा हूँ, जिसमें टावर ऑफ ब्रिज और लंदन ऑफ ब्रिज दोनों दिख रहे हैं। एक्चुअली थेम्स के एक साइड में टावर ऑफ ब्रिज है और दूसरी साइड लंदन ब्रिज है, तो वो दोनों अगर आप थेम्स में मतलब क्रूज पे हैं तो ट्रैवल। ये देखिए यहाँ पे आपको ये ट्रैवलर्स होटल मैंने कवर किया फर्स्ट में जो नहीं दिखाया था, तो ये यहाँ पे मैं ये है दैट्स सो एपीवर्थ जो एक स्टेशन है, बस स्टॉप। ये लंदन म्यूजियम है जो पीछे दिखाई दिया आपको, ये एग्जैक्टली द जो बना हुआ है उत्सव। ये एक्चुअली उस टाइम पे ना इलेक्शन का टाइम था जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो ये सब क्लोज था। म्यूजियम के बाहर तो मैंने फोटोज दिए हुए हैं, ये बाहर के फोटोज हैं। तो वैसे सुना है कि म्यूजियम बहुत अच्छा है, तो अगर आप जाए ट्रैवल करने तो म्यूजियम जरूर देखें। लंदन म्यूजियम में सारी पुरानी चीजें जो है उनकी वो रखी हुई है। ये टेलीफोन बूथ आपने पक्का देखा होगा, मूवीज में दिखाते हैं, तो ये वही है। और ये क्योंकि मैं सुबह सुबह निकला था, तो ये उस टाइम का मैंने ट्रैवल भी, ये जो जिस बस में आप देख रहे हैं ओपन बस, ये बिग बस है एक्चुअली। इसका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इस बस में अगर आप ट्रैवल करें तो इसके लिए आपको वही ऑयस्टर कार्ड लेना पड़ता है। ऑयस्टर कार्ड में आप एक बार स्वाइप करते हैं, आई थिंक इट वॉज £25, और फिर पूरा दिन आप इस बस में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये इट्स अ ब्यूटीफुल बस, जो यूजली लोग नीचे बैठते हैं क्योंकि ठंडा होता है, बट आई हैड अ गुड टाइम। तो मैं देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं। अच्छा ये बस आप चेंज, ये टावर ऑफ ब्रिज है देखिए आप, और यहाँ ये टावर ऑफ ब्रिज ओपन हो रहा है। ये इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये ओपन होता है, या शिप्स आती जाते रहते हैं इनके बीच में। तो ये देखिए शिप यहाँ पे पास होगा और बहुत ही प्यारा लगता है इसे अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे इसे होते हुए। और ये जो आइज रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है टावर ऑफ ब्रिज, टावर ऑफ लंदन पे और टावर ऑफ ब्रिज पे। ये देखिए अभी इसके ऊपर मैं था इस टाइम पे, तो हाँ मैं आगे बता रहा। ये जो फूड कोर्ट आप देख रहे हैं, ये फूड कोर्ट नहीं है एक्चुअली, आई एम श्योर आपने देखा होगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा, आप गेस करना कॉमेंट्स में क्या था ये। और ये देखिए मैं अंदर, एक्चुअली क्रूज के अंदर भी था तो बारिश होने लगी थी, तो फिर मैं अंदर आ गया था। ये देख रहे हैं आपको टावर ऑफ ब्रिज में, और मैंने कई एंगलों से फोटो लेने की कोशिश की है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको अच्छा लगे। ये एक्चुअली क्रिसमस का टाइम था, तो उस टाइम पे सेंटा क्लॉज भी उसी क्रूज में थे, हाँ काफ़ी वीकेंड सा था क्योंकि काफ़ी कम लोग, ठंड बहुत थी तो इसलिए काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल यूज़ कर इन्जॉय करे थे, तो बारिश होने लगी थी उस टाइम पे चिले। फिर उसके बाद मैं लंदन आई की तरफ चला गया था, एंड यू सी द फोटोज, इट्स अमेजिंग व्यू। लंदन आई से जो व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा दिखता है, थोड़ी सी चीजी स्माइल मेरी। और ये अभी हम लंदन आई के पास आ गए हैं। यस यस यस, ये आई थिंक अभी मैं बकिंगम पैलेस जाऊंगा इसके बाद लंदन आई, एक्चुअली मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ये देखिए पीछे दैट्स अगेन लंदन आई, और अभी मैं बकिंगम पैलेस जाऊंगा। एक्चुअली मैं ये देखिए पीछे, नो दैट्स द टावर ऑफ यू नो द वॉल, ये है बकिंगम पैलेस जहाँ पे
हर किसी को, आई एम श्योर आपको पता होगा बकिंगम पैलेस, इट्स अ प्लेस ऑफ क्वीन। और अब यहाँ मैंने थोड़ा सा बोला भी है, और बिकॉज आई वॉज सो सो हैप्पी, तो आई वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। हाँ, तो ये मैं क्रूज पे ही था उस टाइम पे, और क्रूज से मैं दोनों डिस्टेंस कवर की थी मैंने, लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज दोनों के बीच में। तो उस बीच में यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहे थे क्रूज पे, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए हमें बताया जाता है दैट यू शुड डू दिस, और कुछ लाइट म्यूजिक भी चल रहा था। देन इट वाज नाइस, सो 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 अमेजिंग। आई मस्ट टेल यू गाइज, अगर आप जा रहे हैं लंदन तो क्रूज पे जरूर जाइएगा और जरूर प्लान कीजिएगा, इट लुक्स ऑसम। ऑफकोर्स ठंड बहुत होती है तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आगे का भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा day 6, उस day 6 में मैंने एक्चुअली ट्रैवल करते हुए वॉक करते हुए व्लॉग क्रिएट किया है, उसमें काफ़ी कुछ कवर किया है। ये देखिए मैं क्रूज के नीचे भी आ गया था, दो इट वाज नॉट अलाउड बट विद स्पेशल परमिशन मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने बोला चले जाओ कोई बात नहीं आप। तो यस, ये था नीचे, मैं उसके अदर साइड ऑफ इट दो आई वांट टू सी कि वो कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो सब देखना, बट वो उन्होंने अलाउ नहीं किया उसके लिए। तो ये क्रूज के नीचे वाले एरिया में हूँ, एंड इट फील्स रियली रियली ग्रेट। ऊपर आ गया था वापस बिकॉज देयर वाज नथिंग मच, और ऑफ कोर्स क्राउड तो था नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि जब टेम्परेचर -2 में होता है तो ऑफ कोर्स ठंड तो होती है, बट इसके साथ साथ इतनी तेज हवा चल रही थी उस समय, आप देख रहे हैं मेरे बाल तो आई वाज लाइक इट वाज फ्लाइंग, तो इट वाज फ्रीजिंग ऑनेस्टली, but not sure because of my happiness I was so so look at the kids, wo bhi aage the wo bacche, and look at them the kind of clothes they've been wearing thand mein, but theek hai, that's awesome, I can still feel that vibes you know when I was there, aur ye sab ho raha tha, bahut hi amazing feel hota hai, and I'm saying please guys you must go। अच्छा क्रूज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बताई थी, दो आई देर इज अ कपल ऑल्सो जो आए थे अपने हनीमून के लिए लंदन में, ऑफन लोग यहाँ पे आते हैं और ट्रैवल करते हैं, और दे यूजली हैव गुड टाइम। ये सारे जो कंस्ट्रक्शन आप पीछे देख रहे हैं ये बहुत ही हाई क्लास एरिया है लंदन का, बिकॉज ये जो है सेंट्रल लंदन में पड़ता है, तो सेंट्रल लंदन इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इवन इफ यू आर हायरिंग अ होटल, अगर कोई होटल ले रहे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप